न्यूज 12 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जयपुर में इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा चलते हैं जयपुर। उन सिद्धांतों को कायम रखते हुए हम महाराष्ट्र की सरकार बनाने में अपना पूरा सहयोग देंगे और उसी के श्रृंखला में कल बंबई केंद्रीय नेतृत्व से माननीय अहमद पटेल जी, माननीय खड़गे साहब और माननीय केसी वेणुगोपाल जी, ये तीनों कल बंबई गए थे। बंबई में उन्होंने माननीय शरद पवार जी से और माननीय उद्धव ठाकरे जी से उन्हें संपर्क किया और यह तय हुआ कि आने वाले दिनों में एक दो दिन के अंदर जो भी एक लीगल जो एक्शंस हैं उसी के साथ साथ सरकार को बनाने गठन करने के लिए जो आपसी बातें करनी है वो एक दो दिन में उस पर सुनिश्चित कर लिया जाएगा। और इसी के साथ हम सभी लोगों को पूर्ण विश्वास है और कांग्रेस का जो यहां पर आप देख रहे हैं कि सभी सम्माननीय हमारे सदस्यगण एकजुट होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में हम सब सहयोग कर एक मजबूत और क्रियाशील सरकार स्थापित करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी, एक सवाल है, विक्ट्री का सिंबल बनाया था विधायकों ने, इसका क्या अर्थ? विक्ट्री का सिंबल अभी आप सब लोगों के साथ में, हम सब ये बोल सकते हैं कि हम सब अभी भी अब यहाँ के विक्ट्री का सिंबल दे रहे हैं आपका। दिस इज अ बिग विक्ट्री ऑफ सेक्युलरिज्म, दिस इज अ बिग विक्ट्री फॉर दी वैल्यूज फॉर विच कांग्रेस हैज फॉट। और आज देश में जो अनकही आपातकाल की स्थिति पूरे देश में फैली हुई है उसको काउंटर करने के लिए सभी दल एकत्र आकर भारतीय जनता पार्टी के जो अनैतिक और जो गलत नीतियों के आधार पर आज देश की अर्थव्यवस्था, देश में जो बेरोजगारी, किसानों की मौतें, आत्महत्या और जिस प्रकार के नवयुवकों को, जो पढ़े लिखे युवक हैं, उनका भविष्य अंधकार में जब नजर आ रहा है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, कांग्रेस का हर MLA अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसमें जो भी योगदान देना पड़ सकता है, जो भी हमको बड़े से बड़ा भी अगर कोई सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो वो हम उसको सामने रखकर उन मूल्यों को हम रक्षा करें। मैंने कोई भी एक दो दिन में, मैंने कहा कि बैठकर चर्चा करेंगे, इसमें कोई समय सीमा मैंने नहीं कही कि इतने समय सीमा पर ही किया जाएगा। ये शीर्ष नेता और कांग्रेस नेतृत्व इस पर निर्णय करेगा। शिवसेना की जो विचारधारा रही है उसको लेकर मैंने बहुत स्पष्ट किया कि कांग्रेस अपनी मूल विचारधाराओं को कायम रखते हुए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो केंद्रीय नेतृत्व माननीय शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी के साथ बैठकर निर्णय करेगा, जिसके लिए वो लोग वर्कआउट करेंगे, उसको हम सब मान्य करेंगे। बीजेपी ने यह बोला है सरकार बनाना, विधायक की इच्छा है कि जल्दी सरकार बने? विधायक की इच्छा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वहां सरकार हम ही बनाने जा रहे हैं। शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में सरकार हम बनाने जा रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय करेगा पूरे विश्वास से कर सकते हैं। बीजेपी ने भी बोला कि वो महाराष्ट्र में सरकार बनाने की अपनी ओर से कोशिश करेगी, क्या आप पार्टी को डर है कि आपके विधायकों पर तुमकी लोग आ सकती है? देखिए, कांग्रेस के विधायकों पर तो आप छोड़ दीजिए कि इस प्रकार की बात करना भी, मैं समझता हूं कि ये एक मजाक करने जैसी बात है। कांग्रेस को अपने विधायकों पर और जो विधायक आज चुन कर आए हुए हैं वो पूर्ण रूप से चुनाव में भी सभी प्रकार के तंत्रों का उपयोग किया गया, उसका सामना करके आपके पास में ये जो नौजवान साथी लोग हमारे जो खड़े दिख रहे हैं, ये स्थानीय लेवल पर और सब प्रकार के दबाव, पैसों का दुरुपयोग, प्रशासन का दुरुपयोग, मशीनों का दुरुपयोग, हर चीज का दुरुपयोग करने के बावजूद भी जनता की ताकत पर और अपनी छवि के आधार पर और कांग्रेस की नीतियों के आधार पर चुनकर आए हैं, तो उनका किसी प्रकार से यहां से उनका मन में बदलाव लाना तमाम मेहमान जा रहे हैं मुंबई, तो ये लोग अपने अपने घर या क्षेत्र में जाएंगे या मुंबई में एक बार फिर? देखिए, ये कोई यहां पर भी जो आए हुए थे तो यहां पर भी सिर्फ पार्टी आला कमान का माननीय सोनिया जी का आदेश हुआ और सब एक आवाज में यहां पर आ गए। ये सब जहां पर भी रहेंगे पार्टी को पूर्ण विश्वास है और सब इतने सक्षम है कि अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा और अपनी व्यवस्था सब कर सकते हैं, तो पार्टी इनको यहां से शुभकामना देती है। अगले सिग्नल का ये इंतजार करेंगे, जो केंद्रीय नेतृत्व का डायरेक्शन होगा, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का निर्देश होगा, उस संदेश को मिलते ही ये फिर से इनको जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।
तो इस वक्त जयपुर से सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, जयपुर से इस वक्त मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस शीर्ष नेता जल्द ही कोई फैसला ले सकते हैं ऐसा उन्होंने कहा है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत पूरा फार्मूला लागू करने की बात उन्होंने कही है। महाराष्ट्र में एक से दो दिन में स्थिति साफ हो पाएगी ऐसा उन्होंने कहा है। चलिए महाराष्ट्र के बाद अब आगे बढ़ते हैं। इधर बाल दिवस पर बच्चों को सरकार का तोहफा, 14 नवंबर को बच्चों को मेट्रो की मुफ्त सैर कराई जाएगी। हम आपको बता देंगे मेट्रो और डीआईपीआर के संयुक्त तत्वावधान में कराई जाएगी पूरी सैर। मेट्रो से बच्चे करेंगे जयपुर की मुफ्त सैर। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, मेट्रो से बच्चों को मुफ्त सैर कराई जाएगी। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और इसी उपलक्ष में बच्चों को सरकार की तरफ से भेंट दी गई है। बच्चों को पूरे जयपुर की मुफ्त सैर कराई जाएगी। सरकार की तरफ से बच्चों को ये तोहफा दिया गया है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। तो इस वक्त जालौर से एक बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश में आयोग आईपीएस की छटनी का मामला सामने आया है। सीएस डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में चल रही बैठक में डीजीपी भूपेंद्र सिंह, एसीएस होम राजीव स्वरूप और कुंजीलाल मीणा आशीष मोदी की पूरी बैठक चल रही है। प्रदेश में सीएस डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में पूरी बैठक है। डीजीपी भूपेंद्र सिंह, सीएसएस होम राजीव स्वरूप, कुंजीलाल मीणा, आशीष मोदी इस पूरी बैठक को संचालित कर रहे हैं। प्रदेश में आयोग इस वक्त की अहम खबर हम आपको दिखा रहे हैं। जालौर की कुंजीलाल मीणा सहित आशीष मोदी इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश में आयोग आईपीएस की छटनी का यह मामला है। सीएसडीबी गुप्ता की अध्यक्षता में यह पूरी बैठक संचालित की जा रही है। इधर जालौर के ही भीनमाल में एसीबी की कार्यवाही भूमि विकास बैंक में एसीबी ने की है और इस कार्यवाही में शाखा सचिव मुकेश मीणा को ट्रैप किया गया है। 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। कृषि ऋण माफी योजना के एवज में घूस मांगी थी, इस वक्त की बड़ी खबर। 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। और इस पूरी खबर पर जालौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता बबलू मीणा। बबलू, रंगे हाथ तो 5,000 रुपए वसूलते गिरफ्तार किया गया है। जी बबलू, कृषि ऋण माफी की योजना थी और उसमें भी 5,000 रुपए वसूला जा रहा था, ऋण माफी और ऊपर से 5,000 भी। एसीबी ने आज रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई अभी एसीबी कर रही है। कोई मामला नहीं है। भूमि विकास बैंक में पहले भी ऐसे 2-3 मामले आए थे लेकिन एसीबी के हाथ में वो रंगे हाथे नहीं गिरफ्तार हुए थे। ये को ये दो-तीन ऐसा हुआ था उसको अब कहीं ना कहीं पूरे दस्तावेज मैनेजर के ऊपर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बबलू हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। इधर दूदू डीटीओ पुलिस खनन विभाग की संयुक्त कार्यवाही, अवैध बजरी से भरे 16 ट्रेलर किए गए हैं जब्त। आरटीओ जयपुर के निर्देश पर हुई है ये पूरी कार्रवाई। मैं आपको बता दें कि डीटीओ गौरव यादव के दिशा निर्देश में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अवैध बजरी खनन की शिकायत पर पूरी कार्रवाई की गई है। इस वक्त की अहम खबर, जयपुर से अवैध बजरी खनन की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई की गई है। दूदू डीटीओ पुलिस खनन विभाग की संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। अवैध बजरी से भरे 16 ट्रेलर को जब्त किया गया है। आरटीओ जयपुर के निर्देश पर पूरी कार्रवाई की गई है। इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वही 16 ट्रेलर है जिसे जब्त किया गया है। इधर जयपुर के एसएमएस अस्पताल में बाउंसर लगाने के मामले में जी मीडिया की खबर ने असर दिखाया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अस्पताल से प्राइवेट बाउंसर हटाने के निर्देश दिए हैं।
डॉक्टर रघु शर्मा ने अस्पताल में चिकित्सकों और कर्मचारियों की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं और साथ ही कहा है कि अस्पताल स्टाफ मरीज और तीमारदारों से अच्छा व्यवहार करे जिससे झगड़े की स्थिति ही पैदा ना हो। आपको बता दें कि अस्पताल में बाउंसर्स की तैनाती का मामला जी राजस्थान ने बड़ी प्रमुखता से उठाया था। इधर बाड़मेर के बायतू में सांसद हनुमान बेनीवाल और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की गाड़ी पर पथराव का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बायतू आए बेनीवाल ने मंत्री हरीश चौधरी के खिलाफ एक कार्यक्रम में बयान दिया था, जिसके बाद देर रात हरीश चौधरी ने हनुमान बेनीवाल और कैलाश चौधरी की कार पर पथराव किया और इसी दौरान पुलिस ने समर्थकों को वहां से खदेड़ दिया। इसके बाद हनुमान बेनीवाल ने मंच से खुली लड़ाई का ऐलान भी कर दिया। बेनीवाल ने कहा कि हरीश चौधरी को चैलेंज देता हूं। उन्होंने कहा कि हरीश जी हनुमान जिसके पीछे पड़े उसे दिन में तारे दिखा दिए। बेनीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि चाहे राजस्थान में खून की नदियां ही क्यों ना बहाई जाए, लेकिन मैं अब अपनी बात से नहीं हटूंगा। चौधरी को यहां से चैलेंज देता हूं, हरीश जी हनुमान जिसके पीछे पड़े उसको दिन में तारे दिखा दिए, खून की नदियां बह जाए। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरि सिंह ने सांसद हनुमान बेनीवाल पर सीधा निशाना साधा है। हरि सिंह ने बेनीवाल को पानी का बुलबुला बताते हुए कहा कि जल्द फूट पड़ेगा और हरि सिंह ने कहा कि जाट समाज की युवा पीढ़ी बेनीवाल के साथ गलत ट्रैक पर है। उन्होंने ये भी कहा कि बेनीवाल भड़काने वाली और नशे की बात करते हैं। हरि सिंह ने राजपूत समाज को समझदार जाति बताते हुए कहा कि पता नहीं क्यों राजपूतों ने बेनीवाल को वोट दिया है, जबकि बेनीवाल ने सबसे ज्यादा गालियां राजपूतों को ही दी है। जाटों का कोई दुश्मन है तो वो हनुमान बेनीवाल है, दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसके साथ ये जाटों के छोरे लगे हुए हैं। अब ये बुलबुला पानी का कब तक फूटेगा? फूटे तो गा, ये पानी का बुलबुला, पानी आता है ना, बुलबुले आते हैं ना, तो कोई यहाँ फूट जाता है, कोई वहाँ फूट जाता है, कोई अल्टीमेटली सब फूट जाते हैं। तो ये पानी का बुलबुला कब फूटेगा? फूटे तो गा। लेकिन हनुमान बेनीवाल जिस रास्ते चल रहा है और जाटू के जवान छोरे और बावड़े लोग, उनको यही मालूम नहीं वो क्या कर रहे हैं। के भीमाल में एसीबी की कार्यवाही, भूमि विकास बैंक में एसीबी ने की है बड़ी कार्यवाही। शाखा मैनेजर मुकेश मीणा को ट्रैक किया गया है, 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। कृषि ऋण माफी योजना के एवज में घूस मांग रहे थे। ये देखिए भूमि विकास बैंक, जहां के एसीबी ने कार्यवाही की है, शाखा मैनेजर मुकेश मीणा को ट्रैक किया है, 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ऋण माफी योजना के तहत वो घूस मांग रहे थे और 5,000 नगदी लेते उन्हें रंगे हाथ ट्रैक किया गया है। भूमि विकास बैंक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इधर झुंझुनू के बहू ने कौन बनेगा करोड़पति में एंट्री की है। गांधी चौक इलाके में रहने वाली 35 वर्षीय प्रेरणा तुलसियान ने हॉट सीट पर बैठकर अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब दिया है। यह खबर सामने आने के बाद परिवार को बधाई देने वालों का तांता लग गया, लेकिन परिवार के लोग प्रोडक्शन हाउस के नियमों में बंधे होने के कारण अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। प्रेरणा तुलसियान खुद गांधी चौक में अपना एक शोरूम चलाती हैं, जिसमें वे साड़ियां और सूट्स आदि बेचती हैं। मूल रूप से प्रेरणा किशनगढ़ रेनवाल की रहने वाली हैं, जहां पर उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जयपुर में अपने ताऊजी के पास रहकर किया है। फिलहाल उनका परिवार भी जयपुर ही रहता है। सूत्रों की माने तो केबीसी की टीम 2 दिनों से झुंझुनू में ठहरी थी, जिन्होंने प्रेरणा के परिवार और शहर को कैमरे में कैद किया है। प्रेरणा के एपिसोड की शूटिंग भी मुंबई में पूरी हो गई है और प्रेरणा का ये एपिसोड आने वाले हफ्ते में प्रसारित होने की उम्मीद जताई जा रही है।
इधर बांसवाड़ा जिले में अवैध देशी शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार 12वें दिन जारी रहा है। जिले के सदर थाना पुलिस ने तलवाड़ा और इसके सटे इलाकों में अल सुबह देशी शराब बनाने के ठिकानों पर छापा मारा है। पुलिस ने यहां पर 5,500 लीटर महुआ वॉश को नष्ट किया है और मौके से 170 लीटर देशी शराब को जब्त भी किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये देखिए तस्वीरें जहां पुलिस बांसवाड़ा में महुआ और देशी शराब बनाने की जो भट्टी होती है उसको नष्ट करती दिख रही है। ये पूरा वो जो रॉ मटेरियल है जिससे कच्चा सामान जिससे महुआ और देशी शराब बनाई जाती है, पुलिस वालों की जो जाप्ता है वहां पहुंच चुकी थी और पूरे उस प्रक्रिया को पुलिस वालों ने नष्ट किया। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त कोटा से एक बड़ी खबर आ रही है। कोटा सेंट्रल जेल में महिला कैदी ने खुदकुशी कर ली है। लोहे की सीढ़ियों पर फंदा लगाकर खुदकुशी की गई है। जेल प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश में जुटी है। अभी तक मृतका का शव नहीं मॉर्चरी में भेजा गया है। जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल ने फोन स्विच ऑफ कर लिया है। ये देखिए बड़ी खबर इस वक्त की, कोटा से सेंट्रल जेल में महिला कैदी ने खुदकुशी कर ली है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ और भी ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं केके शर्मा। केके, मृतका ने अचानक फांसी क्यों लगा ली? क्या ऐसी उसके साथ दुर्घटना घट गई थी अंदर? जेल वालों का क्या व्यवहार अच्छा नहीं था? देखिए प्रीति, एक बार फिर आपको बता दूं, कोटा का सेंट्रल जेल जो है वो पूरी तरीके से विवादों में है। एक महिला कैदी जो कोटा सेंट्रल जेल में बनती है उसने सुसाइड कर लिया है। लोहे की जो सीढ़ी थी वहां उस एंगल से लटक करके उसने आपने सुसाइड किया है, आत्महत्या कर ली है। लेकिन पूरी तरीके से जो इस घटना है उसको पूरी तरीके से जेल प्रशासन दबाने में लगा हुआ है। किसी तरह की कोई सूचना वहां से अभी तक ऑफिशियली नहीं आई है। सुमन मालीवाल जो जेल सुपरिटेंडेंट है उन्होंने अपना फोन नो रिप्लाई किया हुआ है। नयापुरा थाने में से जब जानकारी की गई तो महज ये कुछ जानकारी मिल पाई है कि सावित्री बाई इसका नाम बताया जा रहा है, उस तरीके से सुसाइड किया। लेकिन क्या उसके कारण रहे, आत्महत्या किस तरीके से पूरी घटना हुई, ये जो तमाम पहलू ये अभी फिलहाल किसी तरीके से ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे पास तक अभी तक मीडिया तक नहीं पहुंचा है। क्योंकि सेंट्रल जेल में पहले जितनी भी वारदातें हुई है क्या उस पर प्रशासन ने जैसे ही चुप्पी साध ली थी या उस पर कोई कार्यवाही हुई थी? देखिए जब जेल कोटा सेंट्रल जेल में इस तरह की घटना सामने आई है और जब उनसे किसी इन सारे विवादों के बारे में जानकारी की गई तो हमेशा एक लीपापोती जो है वो वहां पर की जाती रही है, तथ्यों को हमेशा छुपाया जाता रहा। और उसी क्रम में आज पर एक बार दोबारा से इस जेल विवाद में आया और अभी भी जो घटनाक्रम है उसको छुपाया जा रहा है। जो महिला की आपको बता दूं मैं, मृतका की जो लाश है जो उसका शव है उसको अभी तक मोर्चरी में नहीं पहुंचाया गया है, वो फिलहाल सेंट्रल जेल में ही उसको अभी तक रखा गया है। तो ऐसे में जो तमाम बातें हैं इनसे जो संदेह के घेरे में आते हैं जेल प्रशासन उनसे सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया केके हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इधर आगे बढ़ते हैं। बारा में फर्जी मुनि बनकर खाद बीज की दुकान से 93,000 की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत के बाद अब पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जानकारी के मुताबिक घटना कार्यवाही कस्बे की बताई जा रही है, कवाई कस्बे की बताई जा रही है। पीड़ित व्यापारी सुरेश सुमन ने कुछ दिन पहले ही हरनाव दास शाहजी से खाद बीज उधार खरीदी थी और इसकी रकम मांगने के लिए शातिर ठग मुनि बनकर आए, 93,000 रुपए ले गए। घटना के कुछ देर बाद ही असली मुनीम दुकान पर पहुंचा और पैसे मांगे तो व्यापारी के होश उड़ गए और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इधर कोटा के जेके लोन अस्पताल में 2 दिन पहले गर्भवती को भर्ती नहीं करने व मौत के मामले में मेडिकल कॉलेज प्रशासन कुंभकर्णी नींद से जगा है। कॉलेज प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। वो 3 दिन में प्राचार्य को रिपोर्ट सौंपेंगी। हम आपको बता दें कि कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना ने बताया है कि जेके लोन अस्पताल में गर्भवती को भर्ती नहीं करने व मौत के मामले में 3 सदस्यीय डॉक्टर दीप्ति शर्मा, डॉक्टर ममता शर्मा, डॉक्टर दीपक शर्मा की जांच कमेटी गठित की गई है। इस पूरे मामले की जांच कर 3 दिन में प्राचार्य को रिपोर्ट सौंपेगी। उधर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एचएल मीना ने भी गायनिक विभागाध्यक्ष डॉक्टर ममता शर्मा से मामले की रिपोर्ट तलब की है। चलिए इस पूरी खबर पर डॉक्टर रघु शर्मा कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। एकजुट है और पार्टी के सिद्धांतों के प्रति समर्पित है। कहा जा रहा है कि कुछ विधायक तो सरकार के साथ भी जाना चाहते थे, शिवसेना जो सरकार बनाना चाह रही थी उसके साथ, लेकिन ये सब मीडिया की उपज है।
पार्टी के विधायक खुद नहीं तय करते हैं, पार्टी तय करती है, आला कमान तय करता है, पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करती है, हमारी वर्किंग कमेटी तय करती है। तो सारे लोगों का विश्वास जब नेतृत्व के प्रति है, वर्किंग कमेटी के प्रति है, तो फिर इस तरह के सवालों का कोई मतलब नहीं है। लगातार सीएम भी यहाँ पे आते रहे और आपके नेतृत्व में ये पूरा विधायक दल यहाँ ठहरा हुआ था, आप इनको पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे, क्या रहा आपने? बहुत अच्छा रहा, हमारे मेहमान थे, हमारे परिवार के हिस्सा हैं, हम भी विधायक हैं यहाँ से, हम भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो भी महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो भी चुन के आए हैं। अगर हमारे प्रदेश की एक संस्कृति रही है कि जो भी हमारा मेहमान आता है हम उसके आतिथ्य सत्कार में कोई कमी नहीं रखते हैं। सर जो विक्ट्री का बताया है वो क्या, उसका क्या रही? विक्ट्री हमारी एकजुटता है, कांग्रेस एकजुट रहती है, दुनिया की कोई ताकत कांग्रेस को नहीं हरा सकती। जब जब कांग्रेस कमजोर हुई है, कांग्रेस अपनी फूट के कारण, आपस झगड़े के कारण हुई, अब सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस एकजुट है और पूरे पार्टी के वर्कर ये तय करके बैठे हैं कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने सब्ज बाग दिखा के सत्ता पे कब्जा किया है और आज देश की जनता और देश कठिनाई के दौर से गुजर रहा है, आर्थिक रूप से कमर टूट गई है देश की, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, देश में सरकार नाम की चीज नहीं है कोई, इतना मैसिव मैंडेट लेने के बाद बीजेपी ने देश की जनता के साथ धोखा किया है। अब कांग्रेस पार्टी चाहे विपक्ष में है, ये हमारा कर्तव्य बनता है, हम जनता की आवाज बनके सड़कों पर उतरेंगे एकजुटता के साथ। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया है, क्या दोबारा चुनाव होंगे या फिर सरकार बनेंगे? देखिए ये सब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अभी हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस सारी बातों के बारे में विचार विमर्श कर रहा है और अब जल्दी ही कुछ न कुछ सकारात्मक इसका परिणाम देखेंगे। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि कुछ ना कुछ सकारात्मक निर्णय निकलेगा क्योंकि आला कमान की ओर से जो भी निर्देश हो गए वो बिल्कुल पॉजिटिव हो गए। कैमरा पर्सन संजय कुंबरे के साथ दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने सिरोही के शिवगंज में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक ली है और निकाय चुनाव पर फीडबैक जुटाया है। बैठक के बाद पुनिया ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है और निकाय चुनाव में सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने हाइब्रिड फॉर्मूला और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव के मामले को लेकर भी सरकार को घेरा है। तिरसठ साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि चेयरमैन के चुनाव से लेकर पार्षद के चुनाव के बीच में 10 दिन का फर्क है, तो आप समझ सकते हैं कि नीयत कितनी खराब थी। तो शुरू से मशीनरी का दुरुपयोग किया और मैं जगह जगह से समाचार मिलते हैं कार्यकर्ताओं के कि अधिकारियों पर अनैतिक तरीके से दबाव डाल के पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के उम्मीदवारों को, उनके पर्चों को खारिज करना और मशीनरी का दुरुपयोग करके मतदाताओं को प्रभावित करना, ये कांग्रेस की फितरत रही है। और इधर चूरू के सादलपुर में पुलिस ने भुजियों की आड़ में शराब तस्करी करते एक ट्रक को जब्त किया है जिससे लाखों की अंग्रेजी शराब